बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम लोग चक्री रोड के ऊपर मौजूद हैं और एग्जैक्ट मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ से रिंग रोड जो है उसकी उसका सर्वे जो है वो पहला जो सर्वे है वो फाइनल हुआ था। और ये कश्मीर मॉडल टाउन है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इसकी बैक साइड पर वो रकबा सामने आप देख सकते हैं, वो बैक साइड पर वो रकबा जो है वो चौधरी मजीद साहब का रकबा है फैसल टाउन फेज़ टू का। अब ये कश्मीर मॉडल टाउन जो है ये यहाँ से इसका फ्रंट थोड़ा है, बैक साइड पे इसके पास रकबा ज़्यादा, इनकी अलाटमेंट बड़ी पुरानी थी। यहाँ से फिर जो है वो चौधरी मजीद साहब का रकबा जो है वो शुरू हो जाता है। ये एरिया जो है, ये सामने वाला एरिया, वो पीछे जो टेंकी नज़र आ रही है शायद आपको वीडियो में नज़र आए, वो वाली टेंकी जो है वो कश्मीर मॉडल टाउन की, और ये सामने जो रकबा है ये इस साइड से ये सारा चौधरी मजीद साहब जो है वो ख़रीद चुके हैं। अच्छा, ये रकबा आपको दिखाने का मकसद क्या था कि रिंग रोड यहाँ से आगे जो है वो रिंग रोड आपका गुजरेगा और रिंग रोड के दोनों साइड के ऊपर चक्री जो आपकी रोड है, चक्री रोड के साथ साथ और रिंग रोड के दोनों साइड के ऊपर रकबा जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस वक्त ख़रीद चुके हैं। एक जो पहले सर्वे हुआ था वहाँ से इस जगह से यहाँ से या थोड़ा सा ये आगे से यहाँ से जो है वो आपका रिंग रोड जो है वो गुजरेगा। यहाँ पे पत्थरों के ऊपर उस वक्त निशान भी हमने देखे थे और यहाँ से आपका रिंग रोड का सर्वे जो है वो फाइनल होगा और आगे से फिर ये फिर रकबा जो है ये सारा चौधरी मजीद साहब जो है वो ख़रीद चुके हैं। इस साइड का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी अगर हम लोग रावलपिंडी शहर की तरफ से आएँ तो ये राइट साइड के ऊपर जितना रकबा आपको नज़र आ रहा है और इसके पीछे जितना रकबा है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो ख़रीदारी कर चुके हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोस के अंदर कहा कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो ख़रीदारी एक कनाल, दो कनाल या सौ कनाल के हिसाब से नहीं कर रहे। एक सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी जो बनी हुई थी उसका नाम भी कश्मीर के नाम से ही था, वो शेख इफ्तिखार लोगों की थी। उस एक सोसाइटी जो चौधरी मजीद साहब ने ख़रीदी है वो 7000 कनाल के ऊपर थी। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो हज़ारों कनाल के हिसाब से जो है वो लैंड परचेज़ कर रहे हैं और इस एरिया के अंदर आने वाले टाइम में यहाँ रिंग रोड से शुरू होकर आपकी ठलियाँ इंटरचेंज तक ये रकबा जो है ये सारा जो है ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो इकट्ठा कर जाएंगे। फिर उनके साथ जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले आ जाएंगे, उसके आगे जो है वो ब्लूवुड सिटी वाले बहुत बड़ा रकबा जो है ख़रीद चुके हैं। यहाँ से ये भी एक टाउन था, जैसे मैंने पहले बात की, ये भी एक टाउन था दानियाल टाउन के नाम से। ये उनके गेट शेड बने हुए थे और ये सारा अंदर जितनी जगह थी ये दानियाल टाउन का रकबा था। बाकायदा तौर पर उन्होंने कटिंग शटिंग भी की हुई थी। अब बहुत सारे मसाइल हैं, अब मुझे नहीं है इतना आइडिया कि उनके जो दानियाल टाउन के जो मुतासरीन हैं उनको मालकान ने कोई अकोमोडेट किया है नहीं किया या आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी जो दानियाल टाउन के मालकान ने भी किया अपने मेम्बरान के साथ। इस पर तफसीलन भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये जो रोड जा रही है ये अब फैसल टाउन फेज़ टू की है, उससे पहले जो है ये दानियाल टाउन की मेन डबल रोड थी। वो जैसे कहते हैं ना कि मैंने प्लाट मेन डबल रोड के ऊपर लेना है, वो मेन डबल रोड ये थी और ये सारा एरिया आगे इस बड़ी पहाड़ी के बाद और ये सारा एरिया जो है ये अब फैसल टाउन फेज़ टू के पास मौजूद है। ये नीचे यहाँ से आपको बड़ा क्लियर सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया जो है ये आपका जो है वो फैसल टाउन फेज़ टू के पास है। वो नीचे मशीनें लगी हुई हैं और आ जाए मैं कुछ इधर ही खड़े होकर आपको दिखा देता हूँ। फैसल टाउन फेज़ टू का हम लोग अभी ऐसे तो नहीं आपको बता सकते कि जी ये फैसल टाउन फेज़ टू का फेज़ ब्लॉक नंबर वन है, ये फलां ब्लॉक है, ये ओवरसीज़ ब्लॉक है, ये जनरल ब्लॉक है, इस तरीके से नहीं दिखा सकते। फैसल टाउन फेज़ टू की साइड के ऊपर आपको सिर्फ अभी इतना ही मैं दिखा सकता हूँ कि चौधरी मजीद साहब इस वक्त बहुत बड़ा रकबा जो है वो हासिल कर चुके हैं। वो सामने आपकी कटी पहाड़ी यहाँ से ही नज़र आ रही है, आपके न्यू इस्लामाबाद वाले एयरपोर्ट जो आपके सारे वो माउंटेन हैं वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। ये सारा रकबा इस साइड से, थोड़ा इस साइड पे आ जाएं यहाँ से बहुत मशीनें जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं उस साइड से, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ बिलाल इस साइड से आओ, वो सामने मशीनें दिखा दें। ये सामने सारा एरिया सारी मशीनें जो हैं ये फैसल टाउन फेज़ टू की चल रही हैं। जिन लोगों ने फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, सब्र आपने करना है। ये मेरा क्लिप जो है ये रिकॉर्ड के ऊपर रख लें, सब्र आपने करना है। मैं 500% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, आपको प्लॉट हैंड ओवर होंगे और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो क्रेडिबिलिटी है इससे पहले
वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई बंदा जो है वो उंगली नहीं उठा सकता। और फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा चांस है, अभी भी रेट इतने नहीं बढ़े। ओल्ड ही बुकिंग जिस रेट के ऊपर चल रही थी मार्केट, चूँकि आपको पता है सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मार्केट उस तरीके से जो है वो मजबूत नहीं हुई, प्रॉफिट नहीं शुरू हुआ। अभी आपके पास अभी भी बड़ा सुनहरी टाइम है, बड़े रिजनेबल प्राइस के ऊपर आपको यहाँ पे 5 मरला 10 मरला कनाल के प्लॉट जो है इस वक्त आपको मिल सकते हैं। मोस्ट वेलकम, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।